नमस्कार, मैं हूं गगन और आज की न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आज है ग्लोबल एनकैप से। ग्लोबल एनकैप या एनसीएपी जो इंस्टीट्यूशन है वो गाड़ियां ठोकती है और बताती है कि कितना सेफ है गाड़ी, कितनी सेफ है, कितना सेफ ड्राइवर के लिए, कितना सेफ वगैरह वगैरह कई तरह की रेटिंग देती है। इन्होंने जब इंडिया में बिकने वाली डस्टर को ठोका तो इनको पता चला कि वो तो बिल्कुल भी सेफ नहीं और जीरो स्टार दे दिए। रेनो इस बात पे नाराज हुआ, उन्होंने नाराजगी दर्ज कराई और भेज दी एक सेफर वर्जन जो कि था एक एयरबैग वाला मॉडल। ये मॉडल को टेस्ट करने पर एनकैप ने बताया कि 3 स्टार वाला मॉडल है, लेकिन यहाँ भी कुछ झोल है। लैटिन अमेरिका के एनकैप के द्वारा जब सेम मॉडल टेस्ट किया गया था तो 4 स्टार मिले, अब 3 क्यों मिले? थोड़ी बहुत स्टडी करने के बाद पता चला कि यहाँ पे रेनो ने एक छोटा एयरबैग यूज किया, थोड़ी सी कंजूसी कर दी, इस वजह से उसको 1 स्टार कम मिला। फिलहाल 3 स्टार एक अच्छी रेटिंग है। अगर आप एक एयरबैग वाले ओरिजिन में बैठ के घूम रहे हैं तो हो सकता है गाड़ी ठुकने पे आप बच जाएं। अगली खबर है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने BS4 कंप्लायंट 20 ट्रक के मॉडल्स लॉन्च किए हैं। हैदराबाद में हुई ये लॉन्च में टाटा मोटर्स ने कहा कि वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा से लीडिंग रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स में, और इसी वजह से उन्होंने BS4 नॉर्म्स स्ट्रिक्ट ना होने के बावजूद ये ट्रक्स लॉन्च कर दिए हैं। आपको बता दें कि कमर्शियल व्हीकल्स में अभी भी BS4 BS3 वाले नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्टली लागू नहीं किए गए हैं। अगली खबर है महिंद्रा की ओर से। महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाता लग रहा है। एकमात्र इलेक्ट्रिक कार बिकने वाली जो अभी है वो महिंद्रा की है और महिंद्रा इस मार्केट में और आगे जाना चाहता है। महिंद्रा ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है। ना सिर्फ ये, सैन्यों के साथ मिलकर वो 3 साल बाद में SUV लॉन्च करेंगे बल्कि वो अब फैमिली कार्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देंगे। अगली खबर है टेस्ला से। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्विटर के एक ट्वीट के जरिए अनाउंस किया कि वो जल्द ही एक अपडेट लाएंगे जिसमें ऑटोमेशन जो है वो और भी स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ एज सिल्क उन्होंने कहा। दुनिया इतनी आगे पहुंच गई है कि अब अपडेट के जरिए पूरे कार का सिस्टम ही अपग्रेड कर दिया जा रहा है, सारा का सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम। और एक तरफ इंडिया में बिकने वाली Hyundai Elite i20 और बलेनो के ओनर्स को अभी ये भी नहीं पता कि क्या फ्यूचर में कभी मारुति और Hyundai उनके AVN में Android Auto का अपडेट देगी या नहीं। अगली खबर मारुति सुजुकी के यहाँ से। मारुति सुजुकी की स्विफ्ट मारुति सुजुकी की ही अल्टो को पछाड़ के सबसे ज्यादा सेल करने वाली कार बन गई है। अप्रैल में 22,000 सेल्स के साथ में मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने सेल्स चार्ट को टॉप किया है। सेल्स चार्ट में टॉप 10 में मारुति सुजुकी की 7 गाड़ियां हैं और Hyundai की 3। इस चीज से यह भी पता चलता है कि सेफ्टी के मामले में लोग अभी भी ज्यादा अवेयर नहीं है, क्योंकि फोर्ड की फिगो और एस्पायर कहीं भी इस चार्ट में नजर नहीं आती है, ना ही नजर आती है मारुति सुजुकी की इग्निस। मारुति सुजुकी अपने इग्निस को सबसे बेहतरीन अर्बन कार बता रही थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, ना ही वो सेल्स में कहीं आई है टॉप की है, ना ही कुछ और। अब चलते हैं बड़ी गाड़ियों की ओर। जैगुआर ने अपना XE वेरिएंट जो है वो डीजल में लॉन्च कर दिया है। 2 लीटर के डीजल इंजन के साथ अभी वेरिएंट अवेलेबल होगा। इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया में भले ही कितने अमीर लोग हो, अभी भी डीजल कार उनको प्रेफरेंस में ही, अभी भी वो डीजल कार प्रेफर करते हैं। साथ ही लॉन्च तो हो गया है, लेकिन ये गाड़ी को आपको बुक करना पड़ेगा और बुकिंग अमाउंट जो है वो मात्र और मात्र 5 लाख रुपए है। वैसे 5 लाख में मेरे ख्याल से एक टाटा टियागो का बेस वेरिएंट भी आ जाता है डीजल में। तो एनीवेज, फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको न्यूज बुलेटिन पसंद आया तो बता दीजिए। मैं आपके लिए हर मंगलवार और गुरुवार को ये न्यूज बुलेटिन लाता रहूंगा। न्यूज तो एकदम सच्ची होगी, लेकिन शायद थोड़ा मसाला भी मिल जाए। खैर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। मैं गगन चौधरी, कैमरामैन OnePlus के साथ।